साहब जी, अब देखो मैं आपकी जिंदगी में कैसे आग लगाता हूं। मैम साहब, ये देखिए साहब जी की शर्ट और इस पर लिपस्टिक के निशान। मैम साहब, मुझे तो लगता है साहब जी किसी का चुम्मा लेके आए हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? नौकर है ना, नौकर की तरीके से रहे। अरे नहीं मैम साहब, मैं तो बस बता रहा हूँ। और खुद ही सोचो ना, साहब जी की साइड पे लिपस्टिक के निशान कहाँ से आएंगे। और एक बात बताऊँ, मैंने साहब को ना रातों में बात करते देखा है। बाबू, सोना, डार्लिंग, और क्या ही बताऊँ मैम साहब। और ये देखो ना, ये वाली लिपस्टिक तो आप लगाते भी नहीं, ये शेड आपकी है ही नहीं। फिर भी आपकी मर्जी है मैम साहब, मेरा तो काम था, बस वही बता रहा था आपको। चुप रहे, बकवास मत कर। सचिन, सचिन अभी आओ यहाँ पर। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? क्यों चिल्ला रही हूँ, क्या है ये सब? सचिन, तुम्हारी शर्ट पर ये लिपस्टिक के निशान किसके हैं? लिपस्टिक के निशान? लाओ इसे मुझे दिखाओ। छोड़ो इसे, जो सवाल पूछा जा रहा है ना तुमसे, बस उसका जवाब दो। बस यही बचा था ना, यही सब रह गया था बस। बाहर जाके कुत्तों की तरह मुंह मार रहे हो, घर पे बीवी को टाइम नहीं दिया जा रहा होगा तुमसे। ये शर्ट मेरी नहीं है, और इस शर्ट पर लिपस्टिक निशान कहाँ से है मुझे नहीं पता। क्यों रामू, ये शर्ट कहाँ से आई और कहाँ से आई ये निशान? उससे क्या पूछ रहे हो तुम, मुझसे पूछो ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। पहली बात तो ये शर्ट तुम्हारी ही है, बट ये इस पे जो निशान है ना, ये मेरे नहीं है, क्योंकि ये शर्ट मैं यूज ही नहीं करती हूँ। सचिन, अब मुझे तुम सच सच बताओ कि इस शर्ट पर ये निशान क्या कर रहे हैं और कहाँ से आए? सब समझ गया मैं, अब समझ गया। ये तुम्हारे पीछे खड़ा है ना, इसी ने डाले मेरी शर्ट पर ये निशान। वाह सचिन वाह, लड़की है ना वो जो लिपस्टिक लगाएगा, ये तुम्हारी शर्ट है, तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि इस शर्ट पर ये निशान कहाँ से आए। तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, और उसने तो मुझे बताया है कि रात को तुम किसी लड़की से पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हो। उसने ना मुझे सब कुछ बताया है। अब तुम देखना, मैं तुम्हारे खिलाफ ना FIR दर्ज करवाऊंगी, डाइवोर्स दूंगी तुम्हें, तुम्हारे घर पर भी बताऊंगी कि तुम किस तरीके के घटिया इंसान हो। तुमने मुझे धोखा दिया है ना, अब देखना तुम कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे ईशा मेरी बात तो सुन, ये देख तेरे पीछे कैसे देख रहा है मुझे छात्राओं की तरह। ईशा तुझे पता है, जब मैं बॉस से बात कर रहा था ना, इसने हमारे घर में चोरी की थी, इसे मैंने चोरी करते हुए देख लिया था, और इसे मैंने लास्ट वार्निंग भी दी थी और बहुत सुनाया था। मुझे लगता है ये उसी चीज का बदला ले रहा है मुझसे, क्योंकि वो सारी बातें ना इसके दिल पे लग गई है, तभी ये ऐसा कर रहा है मेरे साथ। रामू इधर देख मेरी तरफ, ये सब तूने किया है क्या? सुबह सामने तुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया था, तो उसी का बदला ले रहा है तू? अबे बोल ना, चुप क्यों खड़ा है? रामू देख सच बता। अरे मैम साहब, मैंने बस 500 रुपए ही तो चुराए थे, उसके पीछे साहब जी ने मुझे इतना मारा और इतना सुनाया भी। तो इसका मतलब ये सब तूने किया है ना? नहीं मैम साहब, ये मैंने नहीं किया, ये साहब जी ने किया है, ये साहब जी के काम है। रामू देख सच बता, तू मुझे जानता है ना, मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाँ मैम साहब, ये मैंने किया। तो तू हमारे घर में चोरी करता है, और जब पकड़ा जाता है तो साहब जी को फंसाता है। शर्म नहीं आते तुझे? जिस थाली में खाता है उसी में चेक करता है। और रामू क्या बोल रहा था तू, तूने 500 रुपए चोरी किए हैं? नहीं रामू, तूने ईमान चोरी किया है, तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए? तू 500 रुपए के चक्कर में मेरा और मेरे पति का झगड़ा करा रहा था, ये घिनौनी हरकत की है तूने। अरे तू मुझसे आकर मांगता, मैं 500 की जगह तुझे 1000 रुपए देती, लेकिन वो ईमानदारी तो होती। छी रामू छी, क्या मिला तुझे ये सब करके? अरे मैम साहब, हम चोरी नहीं करते तो क्या करते, और भला इस घर में हमें कितनी तनख्वाह मिलती है? बस 6000 रुपए तो मिलते हैं। अरे 6000 में क्या होता है, हमारे घर का सही से खर्चा भी नहीं चलता। तो मुझे चोरी करना ही ठीक लगा, इसीलिए कह ली। और मैम साहब बस 500 रुपए तो चुराए थे, उसके लिए साहब जी ने हमें इतना मारा इतना सुनाया, इसलिए मैंने बस ये सब कर दिया। अच्छा राम, बस 6000 रुपए मिलते हैं बस? अरे तुझे बताया था ना पहले कि ये ना तुझे सिर्फ 6000 रुपए मिलेंगे। अगर तेरा पर्दा नहीं पड़ रहा था तो क्यों कर रहा था तू हमारे यहाँ नौकरी? लेकिन अब बस
तू हमारे घर में नौकरी नहीं कर सकता। बस साहू अब बहुत हो गया, चल अब निकल यहाँ से। अरे नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करो। हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन हम वादा करते हैं आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। बस एक मौका दे दो साहब, आप समझाइए ना मालकिन को, और हम आपकी बात का बुला भी नहीं मानेंगे और ना ही कभी ऐसी हरकत करेंगे। मालकिन बस एक मौका दे दो हमें। बोला ना मैंने, निकल यहाँ से।